गुड मॉर्निंग। तो आज मैं नहा ली 7 बजे अभी, और मैं नहा भी ली क्योंकि आज भोग बनाना था। आज हमारे मामों से महाराज है, उनकी जोग देखेंगे हम, बारिश है आज तो इसीलिए भोग बनाना था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई। और अभी मैं पूड़ियाँ निकाल रही हूँ, बाकी सब्जी खीर सब रेडी है, बस पूड़ियाँ निकालनी बाकी है। परी का लंच वगैरह पैक करना है और मम्मी नहा ले, उसके बाद हम जोत करेंगे और पूरा ब्लॉग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हाँ, ताकि नीचे देख ले परी है ना, वैर नहीं आए तब तक। तो लंच हो गया पैक परी का, अब हम लोग जा रहे हैं परी को नीचे छोड़ने। नहा दो के इसको छोड़ने जा रही है, इसलिए परी बहुत खुश है। गोलू तो लंच लेके आएगा, टिफिन लेके आएगा, पैक करेगी, वेट में टाइम लगेगा। एक दवाई भी डालना आँख में, चश्मा का है इसमें होगा, चश्मा तो बैग में ही, बैग में रखा था। बैग को यहाँ छोड़ दो, लेके आ जाओ आप लोग को भी। हाँ मैं चुप मम्मी ने सही याद दिला दिया। ये देखो कौन उठ गया, अर्शु बेबी उठ गया। अर्शु बेबी उठ गए, से गुड मॉर्निंग, राधे राधे बोलो। तो अभी उठ के आया है और इसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है मुझे, क्योंकि ये कल नहीं परसों स्विमिंग पूल में नहा लिया था और शाम के टाइम, और मौसम भी ऐसा हो रहा है बेकार। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको जुकाम हो गई है ना। और उठ के अपने आप ही आ गए क्या आप? आपको पता लग गया मम्मा बाहर है? सब पता है मुझे, सब पता है इसको कि मम्मा बाहर है। आज इतनी भीड़ क्यों हो रही है रोड पे का ना, देखो कितनी सारी गाड़ियां हैं। ये भवानी निकेतन को पता है क्या बोलता है, भगवान जी की टन। क्या है जी मम्मा, भगवान जी की टन चले, कहाँ चले है जी? है भगवान जी की टन। इतने सारे टूरिस्ट आते हैं ना इस मौसम में घूमने के लिए, भयंकर। हमारे आसपास होटल्स है तो इनमें इतनी भीड़ रहती है, खतरनाक गाड़ियां रहती है बाहर। आज अजय जी करेंगे, आज फिर खिलाऊंगी पूड़ी आज। चलो 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 चलो, बैठो 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 बैठो, आ जाओ यहाँ बैठो। वेरी गुड। ऐसे रोगे ना जय जय करते टाइम, तो फिर जय जय प्यार भी नहीं करेंगे, जय जय प्यार भी नहीं करेंगे। बस प्लेट का दे सुचला कजल गया ही। कौन कजले आज से एक ना करवाया तू, कौन आई दे फिर काई करना बना रही हो आठ ले। तो ये है बालाजी महाराज की फोटो और ये है हमारे झुंझार जी महाराज, तो इनकी जोत की आज हमने, ये बनाया है भोग चिट, ये तो गट निकला ऐसा, तो ये पूड़ी है, खीर है। भगवान इतना परेशान है मेरे लाइफ में आज तक, कभी परेशान नहीं हो, कल पूरा दिन से लगा हुआ, मजदूर चार बार आए, चार बार बोले क्यों देख रहे हैं जो पैसा एक तो है ना, सोफा उतार गए पूरे भाई, हम तो सोचेंगे फिर नहीं कर गए, हम तो नहीं करेंगे। जो लगा जी प्रसाद, वो काम जरूर करना आपने। और कोई बात नहीं, झूठ तो माफ कर दियो महाराज। अब इन्हें पूड़ी खुआ भाई, ये पूड़ी खानी है, पूड़ी खानी है। आप आज ओला से चले जाओ, मेरे को वापस जाना भी, गाड़ी खाली नहीं, दो आदमी और ले जाने।
फिर मैं 12 बजे तक जब जैसे फ्री होंगे तो मैं दे जाऊंगा। ठीक जी माधव। हां जी माधव। लगाती है भाई जी के टुकड़े। तो ये देखो आज हमारे अर्शु ने छुट्टी मार ली स्कूल की। है जी छुट्टी कर ली और लंच यही खा रहा है अपना। कह रहे मम्मा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। जाएगा कानू स्कूल? क्यों, क्या हो गया? 2 घंटे में पापा का जाएगा। ओ आज तो गोवा जाएगा ही। क्या जल्दी छुट्टी होती बेटा, धार तो गणी बेगी छुट्टी हो। और वो क्या करेगा गोवा जाके? क्या करेगा गोवा जाके? हैं तो अभी हम रेडी हो रहे हैं क्योंकि आज हम जाने वाले हैं मूवी देखने जाने वाले हैं। और दोपहर में मैं पूरी दोपहर सो रही थी मस्त। मम्मी मुझे पूछ रहे मीन नहीं था खाई हूँ क्यों थे सारे दिन सोता ही हो। तो मैंने कहा मम्मी मेरे ना वो ब्लड की कमी है ना उसकी वजह से मुझे बहुत नींद आती है। मम्मी ये पूरी फीट छील लगी इस कंगे। तो बोले अच्छा दवाई लिया हो यार यार। मम्मी को टेंशन हो गई कि भाई क्या हो गया। आज मैं सुबह 10 बजे सोई थी और अभी 3 बजे उठी हूँ। मम्मी को एमएल काढ़ा लगाऊं? अभी चोटी करती हूँ उसकी। अभी हम नानी के घर जा रहे हैं थोड़ी देर वहाँ पे रहेंगे क्योंकि उषा आई है तो मैं उससे मिलने ही नहीं गई। और मामा थोड़ी सी देर गई थी कल परसों थोड़ी सी देर जाके आई थी निकल गए तो आज जाके आएंगे उनके पास क्योंकि उनकी भी तबीयत खराब हो गई। मामी से भी हो गई क्या? सब बीमार हो गए। मैं भी तो हुई थी कुछ दिनों पहले। नहीं मैं तो 2 महीने मेरी ना तबीयत खराब। रेडी चलो। मैं कैसी लग रही हूँ हम दोनों माँ बेटे की जोड़ी? मस्त लग रही है अपनी माँ बेटी की जोड़ी। चलते हैं हमें मूवी देखने का प्लान है आज हमारा बाकी देखेंगे। तो मैं और परी निकल गए हैं अभी और हमारी गाड़ी जो है 23% चार्ज है क्योंकि आज सुबह से योगेश लेके गया हुआ था वो किसी काम से गया हुआ था बाहर तो वो मेरी गाड़ी लेके गया तो 23% गाड़ी चार्ज है। हम सिर्फ मासी के घर पहुँच सकते हैं फिर वहाँ से हम मूवी देखने जाएंगे वहाँ पहुँच सकते हैं उसके बाद घर आ सकते हैं और इतनी हमें चाहिए 23% में इतना हो ही जाएगा आई थिंक। और नहीं भी हुआ तो वहाँ चार्ज लगा लेंगे। तो चलते हैं अब परी चले। हाँ यस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं तुझे बोलने वाली थी तू नोटबुक्स ले आती है भावना मैंने कुछ दिया है तो क्योंकि अभी तो लेट चलेंगे अपन। तो यहाँ पे इन लोगों ने मुझे फिल्म देखने के लिए बुलाया था और ये बच्चों वाला लूडो खिला के राजी कर रहे हैं। ये ब्लू आपकी ब्लू मेरी होती है हमेशा। मां कांटी का हाथ नहीं लगाओ कुलदीप ध्यान रख लीजिए। मासी तू चाल मारा थोड़ी देर में व्लॉग बना देते हैं। तो सास बहू ने मैचिंग पहन रखा है ऑरेंज। मन आयो को नहीं ना ये को राम गर्मी को ना के हमको बंद कर दी ना जी लेकिन फिर भी ये जीत गए लास्ट में जाके ये जीत गए। विनर तो कोनी थे वो तो लुजे थे पर आज जीत गए। ये इनके जीत के पटाखे फूट रहे तो जीत गए ये लोग। यार टाइम बहुत लगे चार जना का टाइम बहुत लगे। तो ये देखो गाइस कौन आई है। सोनू आई है ससुराल से हमसे मिलने। और कुलदीप तू डाइटिंग पर है। उषा जी ने वर्ली बनाई चाट और पॉपकॉर्न। लूडो खेला है हमने मस्त और हम बातें कर रहे हैं। सोनू की ससुराल की बातें पूछ रहे हैं। सोनू आवड़ियो को नावड़ियो सासरम है। उषा जी फोन दे रही है कहेंगे मारो ही बनाओ व्लॉग। परी बुला रहे परी पॉपकॉर्न खा ले।
देखना इसका खाना, देखना हमने पॉपकॉर्न खाए और ये देखो खाना डोल दिया, देखो देखो डोल दिया, देखो हाथ को डोल मत देना, देख बताओ हमने पॉपकॉर्न खाए ये बच्चे हुई है ये खा रही है कचरो मैं पॉपकॉर्न उड़ा दे दोनों जड़े चुगर दे वो एक दान ऊपर दे चुगर दे पीने नहीं लो नीचे वो नहीं कुदड़ा ए ले लखा नीचे बन गऊं मैं कीटाणु पे आ जाए ओ कीटाणु कुत्ता कटो उतार दी नीचे पड़ जाती है आवाज में। तो अभी हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोग जाएंगे तो जाएंगे। अभी हम लोग ने रील्स वगैरह बना ली, रील्स वगैरह बना ली बहुत सारी नहीं, अभी एक ही बनाई और भी बनाएंगे हम, सेव कर रखी एक ही बनाई सेव कर रखी है मैंने, बहुत सारी बनाएंगे अभी। और अभी मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के घर। फ्रेंड के घर कहीं कृषि क्यों मजाऊंगी निकल जाना, नहीं मेरी फ्रेंड है मेरी फ्रेंड नहीं, मैं फ्रेंड का नहीं हूँ। तो तैयार हो जाती तना चुपचाप ना भाई गुनी सूख लो। तो मैं जा रही हूँ सोनू के घर। ओहो बदबू आ रही है, जहाँ गाय मरी हुई है उधर बाग में बदबू फैल रही उसके बहुत भयंकर वाले। तो सोनू के घर आ गई हूँ मैं। ओहो तू तो सूट पहन वाली, तू जींस के है तेरी, क्यों तू बोली कि मैं सूट पहनूंगी ऐसे मेरे दिल कर रहा। तो ये जींस पहन के तैयार हो गई, टी शर्ट आई जल्दी हो रही है दाग लग रही है, बुआ नानी कहाँ गई, बुआ नानी गई चल ठीक है हो जाते हैं फटाफट बंद कर ले इसको एक बार, बंद कर ये चीज दिखाऊंगी फिर वो एक चीज पूरा काजल फैल गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने, उषा जी नहीं जाएंगे क्योंकि उषा जी की तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। और कुलदीप मैं मासी सोनू पूनम परी हम सब जा रहे हैं, परी के चश्मे की डिब्बी मिल रही है कहाँ की परा ढूंढ बेटा ढूंढ। तो हम लोग सब जा रहे हैं, अभी 7:30 का शो है तो हम लोग 10:30 तक फ्री हो जाएंगे तो ज़्यादा लेट नहीं होगा, इसलिए हम लोग आज ही जा रहे हैं। वैसे प्लान था कि सैटरडे को चलेंगे फिर संडे को आराम से सोते रहेंगे, लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया तो आज ही जाएंगे हम। ये दोनों के दोनों मॉडर्न परिया, हमें दोनों के दोनों मॉडर्न परिया। आज सोनू चलाओगी गाड़ी? ओ अच्छा सोनू मैं सीख ली का कोई दिन ऐसे नहीं होगा जब मैं चलाऊंगी ऐसे टा 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 कैसे चलेगी और नहीं चलाओगी ता टा 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 ऐसे ओए 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 रोक रोक मैं चला लूँ इधर गाड़ी चला ले तो दो ही है यार ड्राइवर बताना कौन सा ब्रेक इसमें मालिक हमको बताना नहीं आता बस चलाना आता है हमको। तो दोनों पगों कौन चला रहे? एक पग चला रहे गाड़ी यार। ये भी हमें जब पता चला जब मैंने गाड़ी चलाना सीखा भाई योगेश ने क्यों मैं योगेश जी एक पर रेस वाला पग रख ले एक पग भी पर रख ले ब्रेक वाले तो काई हुए ठीक है नहीं एक पैर यूज में आता है ये एक पैर आराम का आराम का बैठो हम लोग पहुंच गए जो यो मेरा आज अब सेम 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 ड्रेस पहनी है जानते थे रही है मैचिंग दे रहा है मेरा तो मेरा भी चर्चा भी है हां खर्चा भी सेम सेम ड्रेस में भी सेम सेम बहने लग गए हम जोड़ा है ये क्या ही बताए इतना मोटा जोड़ा है ये भाई कोई ना रास्ता मिल जाए जापा को वो थोड़ा साइड में चलो एक लाइन में वाह
पूरा हॉल बुक किया है मैंने पूनम के लिए क्योंकि दोनों ना मोटे ना बहुत आते नहीं है ये इसीलिए सोनू हॉस्पिटल मूवी दिखाने लाई थी हमें जबरदस्ती और यहाँ हॉस्पिटल लग के पटका है रात को 10 बजे इसके चोट लग गई इसके पैर पे चक्कर आ रहे थे फिर हम इसको हॉस्पिटल लेके आए किसी का भाई किसी की जान तो अभी इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे डॉक्टर इसको चक्कर आ रहे सो जा के बंद कर सो जा हमारी शेरनी मूवी थिएटर से था हॉस्पिटल चोरी की हालत ही खराब हो गई इसका पूरा नाखून निकालना पैर का प्लास्टर कर दिया डॉक्टर तेरी मम्मी फाड़ देगी हमें सोर कर देगी मैंने बाघ में चोरी लेगी मन है तो वो भी जस्ट घर आए हैं 11 बजे रात के और घर गए सोनू को छोड़ के आए उसके क्या हुआ ना पैर पे लग गई थी तो हम लोगों को मूवी बीच में छोड़ के आना पड़ा कैसे लग गई थी क्योंकि वो जो आगे वाले बैठे थे ना उन्होंने अपनी सीट एकदम से ऐसे पीछे की और पीछे करने की वजह से उसका पैर में जो नाखून था ना उस पे लग गई गई और वो नाखून पूरा निकल गया था उसके और उसकी वजह से उसने भयंकर चक्कर आने लग गए थे वोमिटिंग चक्कर ऐसी हालत खराब हो गई उसकी तो फिर हम लोगों ने उसको हॉस्पिटल लेके गए वहां से सीधा और हॉस्पिटल में फिर उसका नाखून में इतनी सी जान बची हुई नाखून निकाला इतनी चिल्लाई कि पूछो ही मत आप मतलब इतना पेन यार होता ही है ऑब्वियसली नाखून कच्चा नाखून निकलेगा तो पेन तो होगा ही तो उसको घर छोड़ के आए आराम से दवाई दी है डॉक्टर ने और बोला हो जाएगा जल्दी ठीक हो जाएगा पर उसके पूरे पैर पे पट्टा लग गया था फिर घर जाते हुए इतना डर लग रहा था क्योंकि यार मतलब अब मम्मी एकदम से उनके ऐसे देखेगी तो वो हो जाएगी तो फिर मैंने उसकी मम्मी को आराम से समझाया कि भी ज्यादा लगी नहीं है बस नाखून निकल गया है फोटो वोटो दिखाई बुआ जी को भी एकदम से वो हो गया कि वो ज्यादा लग गई पैर पे क्योंकि पूरे पैर पे पट्टा बांध दिया था तो अभी घर पर छोड़ के उनको फिर हम लोग वही मासी के घर ही खाना खा के आ गए थे अभी आए हैं बच्चों को चेंज वेंज करवाऊंगी ब्रश कराऊंगी और अब सुलाऊंगी बच्चों को क्योंकि 11:30 हो गई तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और कैसा लगा व्लॉग जरूर बताना बाकी कुछ अच्छा नहीं था इस व्लॉग में क्योंकि हम लोग इतना फन कर रहे थे आपने रील्स वगैरह देखना हम लोग इतना इन्जॉय कर रहे थे और सडनली ये सब हो गया तो उस चक्कर में फिर सबका दिमाग खराब हो गया और इतना पेन हुआ उसको बेचारे को इतना रोई है वो हॉस्पिटल पूरा मतलब सर पे उठा लिया था उसने इतनी मुश्किल से उसको हैंडल किया हम लोगों ने तो बस मूड थोड़ा सा वैसे हो गया ऑफ बाकी ठीक है ओवरऑल मूवी इतनी खास भी नहीं लगी हमें तो किसी का भाई किसी की जान कोई खास नहीं लगी मूवी आधी भी नहीं देखी होगी हमने तो थोड़ी सी देखी फिर वो लग गई उसके तो हम लोग तो आए गए थे और अभी मेरा बेटा आ गया नीचे से क्योंकि सुशीला के पास था अरे मेरा लड्डू आ गया देख छोटा सा मेरा काना आ गया भाई कहाँ गए थे आप नीचे पर ब्रश कर लो बेटा चेंज कर लो फटाफट नीचे गया था नीचे क्या करने गए थे तब सुलाती हूँ।